जिंदगी में जो सबक खाली पेट खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है वो दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता याद रखिएगा मेरे दोस्त जिस दिन इस जेब में पैसे नहीं होंगे और वक्त थोड़ा आपका बुरा चल रहा होगा चैलेंज है मेरा कोई मदद के लिए तैयार नहीं होगा आप मदद मांगते ढूंढ जाओगे बस और ये बात मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जो अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जवानी अपने उफान पर है मस्ती अपने उफान पर है सुबह से शाम तक आराम से मस्ती कर रहे हैं आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है भगवान ना करे किसी दिन आपको किसी की जरूरत पड़ी खासकर पैसे की जरूरत पड़ी मिलेगा नहीं बॉस वो जो आज अपने हैं पैसा उन्हें पराय कर देगा तो आज से ही सीरियस हो जाए और जी जान लगा के पढ़ लो पढ़ाई कर लो क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा और बेहतर और आसान तरीका कोई भी नहीं है अपने परिवार को और अपने आप को एक अच्छी और बेहतर जिंदगी देने के लिए सो तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका गुरु जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है इस प्यारे से हमारे इस बैच में जो वो स्पेशल बैच है और आज है माई डियर स्टूडेंट्स इसकी क्लास नंबर टू फिर से उसी रंगमंच के साथ और जो एक क्लास का पैटर्न है ये ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है मैं आपको वर्ड्स याद कराऊंगा वर्ड्स याद कराने के बाद मैं बिल्कुल क्लास के एंड में जो आज आपको पढ़ाऊंगा उसका मैं लूंगा टेस्ट सो इस तरीके से वर्ड्स को याद कीजिएगा कि लास्ट में आप उसका टेस्ट भी कर पाए और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मैक्सिमम क्लास को शेयर कीजिएगा मैक्सिम अपने फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंड्स जो वाकई में दिल से तैयारी कर रहे हैं ताकि उन तक भी हम पहुंच पाए क्योंकि आप तक भी क्लास जयदीप सर के किसी ने पहली बार जरूर शेयर की होगी आपको बताया होगा कि आप जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ सकते हैं वैसे ही आप आप आगे जरा इस ज्ञान को जरिएगा ठीक है जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी ये है हमारा बुकेब का बैच और आज है माई डे स्टूडेंट क्लास नंबर टू तो फटाक से आ जाओ सारे के सारे करते हैं सर क्लास स्टार्ट लाइक और शेयर करते जाना भैया जी महीने के अंदर अंदर हम अपना ये बैच कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हम कंप्लीट वो कैब पढ़ेंगे ठीक है तीन महीने लगेंगे इस बैच को कंप्लीट होने में दो से तीन महीने में लाग लगा के चलेंगे हम इसमें जिसमें वन वर्ड रूट वर्ड्स से भी वो कैब करेंगे ठीक है स्पेलिंग्स करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, करेंगे फ्रेजल वर्ब करेंगे फिक्स प्रपोर्शन करेंगे ठीक है और प्रैक्टिस तो आपके साथ साथ है ठीक है और फिर दूसरी बात भैया जी और हम सब जो यहां प्यार से मस्ती से क्लास पढ़ पा रहे हैं ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे सोल्जर्स की वजह से जो सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं ठीक है तो दिल से प्रणाम है उन्हें और दिल से सेल्यूट है उन्हें एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय एक बार फिर से ध्यान से भारत माता की जय तो उनको दिल से सैल्यूट है हमारे सोल्जर्स को उनकी वजह से हम यहाँ प्यार मोहब्बत से बैठे हैं उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं अपने घरों में तो दिल से नमन हमारे सोल्जर्स को और आप सबको ठीक है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वो हमारे रियल हीरोज चलिए सर करते हैं आज की कहानी की स्टार्ट और आई लव माई इंडिया हमने लगाए हुए हैं ठीक है एक प्यारा सा स्टेकर इसीलिए चलिए तो क्लास नंबर टू को करते हैं अब स्टार्ट आज के वर्ड को आपने क्या करना है जरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिए मैं आपको वर्ड कराता चलूंगा आप साथ साथ कमेंट करते चलेंगे उस वर्ड का स्पेलिंग uh, और उस वर्ड को समझते हुए चलेंगे ठीक है और आज क्या अगर मैं बोलूं ये क्लास नंबर टू है द कंप्लीट वो कैबरी बैच दो हजार चौबीस फ्री बैच यूट्यूब पे चलेगा क्लास नंबर टू है और ये वॉल्यूम नंबर हमारी है डियर वन वॉल्यूम नंबर वन से ये क्लास है वो कैब की दो बुक हैं आप सबको पता है ठीक है जी वो कैब की हमारे पास दो बुक हैं वॉल्यूम वन से है फिर वो एक हफ्ता वॉल्यूम टू करेंगे इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे ठीक है तो ये वॉल्यूम वन से हम आज कंटेंट उठा रहे हैं अपना इसका पेज नंबर भी ओपन कर लीजिएगा दोनों किताबें आपको खरीदनी है डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा डियर है फ्लिपकार्ट सब जगह चलिए जी तो ले सरस्वती का नाम आज है पहला वर्ड हमारे पास डोडल आज का पहला वर्ड है हमारे पास डॉडल सर ये डॉडल क्या होता है ध्यान से सुनेगा ये डॉडल क्या होता है अच्छा एक बात बताओ क्यों ना इससे थोड़ा सा पिक्चर से समझने की कोशिश करें ऐसा तुम कब करते थे कभी भी चेक करना जब मम्मी के साथ या पापा के साथ आप मार्केट, मार्केट वार्केट बाजार बाजार जाते थे तो तुम ना दुकानें देखते हुए चलते थे ये दुकान देखते हुए चलते थे और मम्मी या पापा तुम्हें पकड़ के और तुम्हारा हाथ ही घसीटते हुए चलते थे तुम्हें ठीक है और तुम बता क्या ममदे में आगे कोई मतलब नहीं वो इधर से हाथ खींच रहे हैं और तुम अपना इधर उधर देखते हुए चल रहे हो क्यों क्योंकि मम्मी को होती थी घर जाने की जल्दी तुम हो भाई साहब शैतान पार्टी तुम्हें क्या मतलब है तुम्हें मार्केट के नजारे देखने हैं और तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए लेके चल रही क्यों क्योंकि आप कर रहे हो डोडल मतलब आप कर रहे हो अपना समय नष्ट अपना टाइम वेस्ट तो जब आप किसी भी काम को बहुत आ, ये कहो स्लो प्रोसेस पे करते हो ठीक है धीमे धीमे करते हो जबकि लेट हो रहा है एक्चुअल में और आप उस चीज को मान नहीं रहे उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं छुटकुमिया डोडल तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम क्या कर रहे हैं वेस्ट ये देखो भाई साहब ये है आपका समय और आपने ये तान दिया उस पर बंदूक और समय को उड़ा डाला ठीक है भाई समय अपना नष्ट कर दिया तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डोडल तो आज का पहला वर्ड हमारा मेरे मित्र हो गया डोडल टू वेस्ट टाइम समय को क्या करना नष्ट करना उसको हम डोडल कहते हैं मेरे साथ साथ पढ़ना टू वेस्ट टाइम और टू डू समथिंग वेरी स्लोली जब आप किसी काम को बहुत धीमे धीमे करते हैं तो ये बोल दिया चलो अब जरा इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना डू नॉट डोडल इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई फर्स्ट फॉर्म फॉर्म तो मेरे मित्र इसकी जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ध्यान से याद करना बाद में इसका टेस्ट है और आज आपके टेस्ट में दस क्वेश्चन होंगे जैसे पेपर में आते हैं ताकि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो ताकि आपको पता चले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो दस में से कितने नंबर आते हैं वो जरा चेक करते हैं भाई साहब आपके लास्ट में टेस्ट होना है भाई क्लास के एट द एंड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा सो डोंट डोडल एज यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम ठीक है जी कि भाई क्या मत करो डोंट डोडल समय बर्बाद मत कर भाई ये जो चीजें हैं ये जो काम है हमें समय पर खत्म करना है बेटा वीडियो को लाइक और शेयर चलते चलना कोई ऐसा ना हो जो हमारा होकर भी हमारा ना हो ठीक है पता ना बैच ले रहा हो और फिर शेयर नहीं कर रहा हो लाइक नहीं कर रहा हो तो हमारा होते हुए हमारा कहां है रे चल बेटा अगला देखते हैं फिडल अराउंड सर फिडल अराउंड का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनेगा भाई फिडल अराउंड भी होता है ना एक फ्रेजल वर्ब होती है फिडल अराउंड जिसका मीनिंग होता है कि जब आप टाइम छोटी छोटी चीजों में करने में वेस्ट कर रहे होते हैं जो मोइन चीज है जो मेन मुद्दा है उसको नहीं है, टैकल कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो सो टू स्पेंड टाइम डूइंग स्मॉल थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी आप उन चीजों को कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है नेसेसरी नहीं है ठीक है उनमें आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं बस ऐसी फिडल अराउंड तो आप कई बार जाते हो ना आप किचन में चले जाते हो अच्छा सबके साथ होता होगा किचन में चले गए अब किचन में जाके सोच रहे मैं आया क्यों था हाँ और अब किचन में यूं ही खा रहे रहे और फ्रिज फ्रिज खोल कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा से और फिर फ्रिज में देख जा रहे हैं हाँ फिर फिर थोड़ी देर बाद आ रहे हैं फिर किचन में जा रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं फिर फ्रिज खोल रहे हैं फिर फ्रिज को देख रहे हैं फिर फ्रिज बंद चले गए काम क्या तेरे को कुछ नहीं फिडल अराउंड टोटल वेस्ट कुछ नहीं करना है इसने तो फिडल अराउंड हो गया आई वो जस्ट फिडलिंग अराउंड इन द किचन बस भाई साहब और ऐसे में कोई पूछ ले क्या कर रहे थे कुछ चाहिए मम्मी कह रहे कुछ चाहिए क्या कत नहीं फिर क्या कर रहा कहते मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं सच में और ये होता है ज्यादातर सबके साथ होता है तो आज की जो दूसरी जानकारी है हमारे पास वो फिडल राउंड है जब आपको खुद ना पता हो भैया आप क्या कर रहे हो ठीक है और बस आप टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो उसको फिडल अराउंड बोलते हैं ठीक है जो अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग ये याद रखोगे नेक्स्ट वर्ड आप क्या टाइप करोगे एम्बल नेक्स्ट वर्ड क्या टाइप करोगे एम्बल क्या आप टाइप करोगे एम्बल सो एम्बल का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त और स्पेलिंग भी ताकि तभी तो जमेगी एम्बल का मतलब भी होता है बिल्कुल सेम टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्सड वे अच्छा कभी तुमने ना मजा आता होगा चप्पल और ये भी आपके साथ घटना घटी होगी पापा के हाथ से तुमने यहां पर थप्पड़ खाया होगा जब तुम चप्पलों को घिसड़ा के चलते हो ऐसे नहीं है खसर 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 यू चलते हो और पीछे से थप्पड़ा अब ढंग से नहीं चल सकता तुम्हें चलो इतना बड़ा हो गया नॉलेज नहीं तेरे को एक दो और फिर तुम आराम से चप्पल उठा उठा के चलने सो एम्बल एग्जैक्टली यही है जब आप वॉक करते बीच कर so, बस बीच पे टहल रहा था आराम से स्लो स्लो धीमे धीमे वॉक तो एम्बल करने का मतलब ये होता है वो भी किससे रिलेट कर लिया वो भी इससे हमने रिलेट कर लिया एम्बल वो भी इससे रिलेट कर लिया एम्बल ठीक है जी चलो सर तीन वर्ड हुए अगला वर्ड है बेटा ट्राइफल क्या बोलोगे ट्राइफल कैसे याद रख लोगे ट्राई टी आर आई एफ एल ई ट्राइफल टाइप कीजिएगा उसकी स्पेलिंग अगला वर्ड क्या आ गया हमारे पास ट्राइफल सर ट्राइफल का मतलब भी क्या होता है आज ये मेरे दोस्त जानते हैं टू हैंडल समथिंग आइडली आइडली का मतलब क्या होता है स्लोली आलस में करना ठीक है जो जब भी आप किसी चीज को हैंडल करते हैं या कोई काम करते हैं बट आलस में ठीक है ना उतनी फुर्ती के साथ नहीं बहुत स्लोली तो उसके लिए आप ट्राइफल वर्ड यूज करते हैं दूसरी बात इसकी तीन पार्ट ऑफ स्पीच है एक इसके मीनिंग को खासकर धुनेगा पहला मीनिंग मैंने क्या बताया किसी काम को बहुत स्लोली करना पहला मीनिंग हुआ दूसरा एक और मीनिंग होता है बेटा क्या जो कोई अमाउंट में कोई चीज बहुत ही छोटी सी हो ना के बराबर हो जो कोई चीज अमाउंट में ठीक है बहुत ही क्या हो बेटा लिटिल वैल्यू हो उसकी हाँ दूसरा जब कोई मुद्दे हो हाँ कहता है छोटे मोटे मुद्दे मैं निपटाऊंगा क्या चल छोटे मोटे मामले छोटे मोटे मुद्दे आप उसके लिए भी ट्राइफल मैटर बोल सकते हो बेटा कहता है कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बता ये ट्राइफल को साइड तो इसका मतलब ये हुआ छोटे मोटे मामले सो देखो अ मैटर और आइटम क्या लिटिल वैल्यू का हो लिटिल का मतलब होता है बेटा ना के बराबर कोई भी आइटम जो ना के बराबर की वैल्यू हो उसकी क्या औकात है उसके लिए बोलते हैं और इसकी इंपोर्टेंस क्या हो ना के बराबर ये और लगा बेटा इसका मतलब अ मैटर और आइटम ऑफ लिटिल वैल्यू और लिटिल इंपोर्टेंस इसके साथ भी लिटिल कहीं आप सोचो सर इंपोर्टेंट कैसे हो गया वो तो इंपोर्टेंस नहीं होनी चाहिए लिटिल इंपोर्टेंस बेटा ना के बराबर जिसकी इंपोर्टेंस हो सो आप उसके लिए बोलते हैं ट्राइफल उसके लिए बोलते हैं ट्राइफल तो ये याद रखिएगा ना के बराबर कहते हैं मैं थोड़ा सा हाँ कहते हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूं सर तो आप उसके लिए आप पता क्या बोल सकते हैं कि आप ट्राइफल नर्वस हो आप ट्राइफल नर्वस हो तो थोड़ा सा नर्वस हूं सर ना गिना के बराबर थोड़ा सा तो ट्राइफल ऐसा भी होता है देख लो भाई बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है इसलिए बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा किसी भी वर्ड को तो बाल की खाल निकाल के पढ़ाऊंगा एकदम गहन अध्ययन आपसे करवा के तो क्या पढ़ा ट्राइफल अ मैटर आइटम जो लिटिल वैल्यू का हो जैसे एग्जांपल देखो बेटा उसके बगैर तो सब अधूरा है इट वॉज सच अ सम ऑफ मनी टू आर्ग्यू अबाउट जैसे होता है ना कई बार बहस छुट जाती है हाँ चलो सात रुपए मैं क्यों दू पिछली बार मैंने देता तेरी तो तू देगा अब देता ही नहीं है कभी भाई और कितने रुपए पे लड़ रहे हैं सात रुपए पर लड़ रहे हैं

कोई इंपॉर्टेंट शो कर रहे हो आप जितने भी शो करने जाते हो ठीक है तो जितने भी कहते हैं यार थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता था ऐसे भी आप इसको यूज करते हो तो मीनिंग समझ में आया बैठा ये होता है बेटा ट्राइफल का मीनिंग अब देखो हमारे पास कौन सा वर्ड हो गया ये तो हमारा वर्ड क्या था बेटा आज जो लेट आए हैं शिकारी उनको बता रहा हूं डोडल डोडल का मतलब क्या होता है बेटा समय बर्बाद करना समय बर्बाद मत करो पढ़ लो ठीक है आ जाओ जी फेडल अराउंड हा और ट्राइफल अब अगला देखो बेटा स्टैग अगला वर्ड क्या हो गया स्टैग स्टैगर का मतलब भी क्या होता है बिल्कुल सेम बेटा स्टैगर अगला वर्ड क्या टाइप करोगे स्टैगर आप इसे नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और आप इसे बेटा वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो स्टैगर का मतलब अरे वही ठीक है अरे वही हाँ वो जोश नहीं होता है जब कोल्ड ड्रिंक पी लेता है समझ रहे हो कोल्ड ड्रिंक लिटिल लिटिल हाँ तो जब वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो वो बड़े अच्छी चाल चलता है भाई हाँ कैसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे यूँ चल रहा है भाई साहब एकदम कुत्ता मुंह को चाट रहा है उसके गिरे हुआ पीने के बाद इंसान को कहां में और इंसान में ज्यादा फर्क समझता नहीं है कहते कुत्ता भी मेरा भाई है ठीक है उसकी पप्पियाँ खींच रहा है कुत्ते कहता ये मेरा पराया है ना है मेरा भाई है और स्ट्रीट डॉग है वो ठीक है उसको लेकर घूम रहा है और क्या कर रहा है वो क्यों कर रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे इसका मतलब सर वो अपने आप में आ ड्रंकन स्टैगर है ठीक है जो ऐसे चलते है ना लड़खड़ा के लड़खड़ा के तो लड़ खड़ा के चलना इसका मतलब वही तो हो गया टाइम वेस्ट से रिलेट कर लिया गया और इसको भी उसका सिनोनिम मान लिया गया जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला था बेटा वॉक करने के लिए एम्बल वॉक याद आया तो स्टैगर होता वही लड़ खड़ा के चलना एम्बल तो आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो स्लो वॉक कर रहे हो स्टैगर होता है लड़ खड़ा के चलना उसके लिए आप बोल के चलते हो मेरे दोस्त स्टैगर ठीक है स्टैगर भाई वीडियो को लाइक और शेयर सारे बच्चे करते चलना बेटा जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट है ना वो सारे के सारे अपने चैनल पे लाने हैं मैंने छपरी नहीं छपरी नहीं हाई पिंक की हाई पूजा कैसी हो उनको रहन दो कहीं और चैनल पर रहन दो यहां हमने इंपॉर्टेंट बैच चला रखा है यहां पर हम लाएंगे ठीक है छपरियों को नहीं यहां पर हम लाएंगे सीरियस कैंडिडेट को ठीक है भाई तो स्टैगर का मतलब ये होता है सो हमने क्या बोला देखो आफ्टर ही वॉज अटैक्ड ठीक है उस उसमें अटैक कर दिया गया ही मैनेज टू स्टैगर द फोन एंड कॉल फॉर हेल्प मतलब भाई लड़खाया और उसने मैनेज किया फोन करना मदद के लिए ठीक है तो ये होता है बेटा लड़खड़ाना उसको हिंदी में बोल दोगे आप दूसरा मैंने क्या बोल दिया बार में गया ही लेफ्ट द बार विद अ ड्रंकन स्टैगर तो ड्रंकन स्टैगर के साथ उसने बार से वो बाहर निकला ये मीनिंग है तो अगला वर्ड हमारे पास क्या है बेटा स्टैगर आ जाओ प्रो क्रास्टिनेट करना

चलेंगे यार फिर कभी चलेंगे अरे कर यार कर लेना यार करूंगा फिर कभी कर लूंगा ठीक है करूंगा करूंगा तो बेटा ये होता है प्रोक्रास्टिनेट क्या करना टालना किसी चीज को आप क्या कर रहे हो मतलब जो अभी की जानी चाहिए इंपॉर्टेंट है वो चीज अभी कर ले भाई कर ले लेकिन निकम्मा टाल रहा है तो उस चीज को क्या कर रहा है प्रो कैसे याद रखोगे देखो प्रो क्रास throw procrastinate उसको आप ऐसे बोल के चलोगे procrastinating so to keep delaying something that must be done often because it is unpleasant or boring क्यों क्योंकि तुम्हें वो बोरिंग लग रहा है तो नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो टाल रहे हो क्या कर रहे हो टाल रहे हो तो वो चीज यहां पर है तो हमने क्या बोल दिया भाई इसको अनप्लेसेंट और बोरिंग जैसे आई नो आई हैव गॉट टू डील विद द प्रॉब्लम मुझे पता है प्रॉब्लम है हां एट द सेम पॉइंट मुझे पता है हां लेकिन यार आई एम जस्ट बस टाल रहा हूं इस चीज को मतलब फेस करने नहीं हो टाल रहे हो जैसे तुम में से कहीं अपनी शादी को टाल रहे होंगे घर वाले कहेंगे शादी कर ले बेटा तो उखड़ नहीं तेरे से शादी कर ले क्या पता उखड़ जाए और तुम इसलिए शादी नहीं कर रहे कि आगे बच्चे होंगे बच्चे पैदा होंगे तो कहेंगे पापा कुछ जिंदगी में उखाड़े हो पापा बोलेंगे नहीं बेटा बस शादी भी घर वालों के भरोसे के हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं बेटवा ठीक है तुम इस बेजती के चक्कर में शादी नहीं कर रहे हूँ असली बात ही और पता है क्या करे नहीं नहीं सर मेरे शादी में इंटरेस्ट नहीं है पता चला बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं पापा सी का पेपर देने जा रहे हैं चलो जी आगे देखते हैं तो हमने क्या बोला आई एम जस्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग मैं सिर्फ चीजों को क्या कर रहा हूं टाल रहा हूं इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेटिंग ये तो कईयों के दिल की बात कह रही अच्छा बेटा देखो अगला क्या है ड्रैग वंस फीट बेटा ये अपने आप में एक फ्रेज है जिसका मीनिंग भी सेम होता है ड्रैग वंस ड्रैग घिसड़ाना अगर आप यू चल रहे हो आपको पैर तो नहीं दिख रहे होंगे मेरे। अगर घिसरा के चल रहे हो हाँ तो आप पैरों को तो वही तो ड्रैग वंस फीट भी इसका मीनिंग निकलता है तो छोटू भाई ड्रैग वंस फीट आप लिख सकते हो आसान लगे तो आप स्किप भी कर दे रे। अच्छा देखो डी सेलिरेट एक्सीट दो तो गाड़ी क्या जाएगी मतलब गाड़ी भागेगी डी कर दो मतलब एक्सीटर छोड़ दो एक्सिलेट करना और डी कर। रहा कर भैया इसका मतलब बेटा ये उसी का अपोजिट है हाँ। और इसके भी, भी दो मीनिंग है तो बेटा वही चीज यहां पर देख लो डी करना टू तो हैपन और मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली और टू तो रिड्यूस द स्पीड दैट व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट पर व्हीकल चल रहा है पंजे से पैर हो जाए। लेकिन लड़कियां उल्टा काम करती हैं जैसे ही आगे कुछ अनहोनी होने वाली है कोई एकदम से भाई साहब जानवर आपको आगे कूद गया छोटे बच्चे आगे कूद गए तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं लेकिन लड़कियां ब्रेक नहीं लगाती ब्रेक छोड़कर रेस पे पैर दगा देती है और जूम गाड़ी और जितनी टकराने थी उससे ज्यादा तेज टकराएगी फिर उनसे कहा पूछा गया क्या वो कहते मैंने तो ब्रेक ही मारा था हाँ पता नहीं क्यों नहीं लगा कहता ब्रेक कौन सा है कहां है ब्रेक कहता हैं ये वाला कहते ये ये बीच वाला कि ये साइड वाला कहते साइड वाला ब्रेक है पता है मेरे को ब्रेक कौन सा है उनका काम उल्टा होता है भैया जी वो उस टाइम पे भूल जाती है ठीक है जी कोई भी लड़की बुरा नहीं मानेगी बेटा इफेक्ट है ठीक है कोई बुरा नहीं मानेगी तो हमने क्या

तो ये है जी आठवां ठीक है नेक्स्ट देखो द कार डिसलरेटेड एट द साइट ऑफ द पुलिस कार तो वहां पर उसको क्या किया गया Decelrate कर दिया गया तो बेटा स्पीड को कम करने के लिए आप इस चीज को यूज करते हो स्पीड को कम करने के लिए ठीक है चलो भैया बहुत ही स्पीड बढ़ाई लिए हो अब एक बार रिवाइज कर ले आज का वर्ड क्या था डोडल डोडल के क्या क्या सिनोनिम आए फिडल अराउंड एम्बल बोले भाई साहब गुटका थूक दे गुट थूक दे क्लास के बाद खाना ठीक है थुक दे थुक दे जेब में थुक ले बाद में निकाल के खाना ठीक है अभी आगे पढ़ ले ठीक है एम्बल ट्राइफल स्टैगर प्रोक्रास्टिनेट ड्रैग फीट और डी चलो अब इसके एंटोनिंग देखते हैं अब बहुत हुई ठीक है जी देरी अब तो बस भैया जी रश कर दो जल्दी बाजी करो भैया जल्दी बाजी करो अब रश करना है जल्दबाजी करना तो टू कॉज टू गो किसी काम टू गो या तो करना किसी काम को जाने का मतलब या किसी काम को करना या कारण बनना कि वो काम और डू समथिंग वेरी क्विकली किसी चीज को बहुत क्विकली करना रश जल्दी ठीक है जल्दी सो आई हैव बीन रशिंग अबाउट या रशिंग अराउंड दोनों होता है ऑल डे ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग डन भाई साहब पूरे दिन में जल्दबाजी में रहा ताकि सारे काम हो जाए ताकि मैं सारा काम करा दू तो बेटा इसके अलावा इसके साथ ना दो प्रेपोर्शन आती है फिर क्या थारे भैया ने भैया दोनों प्रपोशन लिख दी हो या तो अबाउट लगा ली हो या अराउंड लगा ली हो या दोनों ना सही है समझ रहे हो जी। रशिंग अबाउट रशिंग अराउंड ये दोनों इसके साथ आते हैं प्रपोशन याद रखेगा अच्छा अगला कौन है भैया जी बैरल बैरल अच्छा बैरल आपको पता बैरल बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है पाजी इसके अगर बैरल को नाउन देखो तो बेटा ये कंटेनर होता है लकड़ी का कंटेनर होता है किसी मूवीज में आपने देखा होगा ना यू बैरल रखे रहेंगे और उसमें से यू दारू निकाल निकाल के पी रहे होंगे बहुत सारी मूवीज में इसको दिखाया जाता है एक लकड़ी का यू कंटेनर होता है भैया ये एक लकड़ी का कंटेनर होता है सिलेंडर बन गया हो चलो तो भैया जी एक बात बताइए अगर इसकी हाइट यहां से इतनी है तो मुझे बताइए इसकी रेडियस इतनी है तो इसके से का होगी ठीक है चलो मजाक करो इसको बैरल बोलते हैं बेटा सिलेंडर में ना मैथ नहीं पढ़ेंगे ठीक है बैरल बोलते हैं तो यहां जो है, है इसको तो बैरल बोलते हैं तो वो लकड़ी का बना होता है उसमें ठीक है ना ज्यादातर पहले आजकल मूवी में जैसे हो ना उसमें से बियर डाल डाल के करते हैं पीते हैं तो ये है बेटा बैरल लेकिन वो नाउन है इसलिए मैंने बोल दिया बैरल एज अ नाउन देखोगे तो अ लार्ज कंटेनर मेड ऑफ वुड मेटल और प्लास्टिक से बना हुआ वो कंटेनर को बोल दिया गोल कंटेनर जो है लेकिन छुटको भाई इसका सिनोनिम इसका एंटोनिम कैसे हो गया सर यहां तो जल्दबाजी करना है उसका एंटोनिम तो बैरल का एक और मीनिंग होता है छुटको वर्ब की तरह वो इसका सिनोनिम मतलब इसका एंटोनिम बनता है कैसे टू तो ट्रेवल समवेयर वेरी क्विकली और टू तो मूव वेरी क्विकली बहुत जल्दी मूव करना या ट्रेवल करना कहीं बहुत जल्दी बैरल ऐसे लो ना तू तो साला लड़क के पहुंच जाएगा वहां है अबे चल लेना कहता तेरा भाई दो मिनट में पहुंच जाओ हाँ हाँ लड़क के पहुंच लियो तू तो।, तो ऐसा लगाओ ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बैरल में फिट करो हाँ ढक्कन मार बंद करो और लड़का दो तो जल्दी से पहुंच जाएगा तो ऐसे ही याद रखना बैरल की हिंट बैरल से तो ये मीनिंग भी याद हो जाएगा ये मीनिंग भी याद हो जाएगा गजब पढ़ाते हैं यार जयदीप सर कमाल है भाई कमाल हो जयदीप सर आप तो चलो क्या एग्जांपल दिया बच्चों को मतलब कमाल कर दिया गुरुजी चलो तो हमने क्या बोल दिया बैरल नाउन भी है तो बैरल उसी में लुटका दो भैया ठीक है क्या है तो वी वर बैरलिंग अलोंग एट 80 माइल्स एन आवर ठीक हो भाई अस्सी घंटे जो है उन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर लिया कवर कर लिया जल्दी जल्दी क्या कर लिया जी कवर कर लिया बैर, अच्छा अब तो सुना होगा हरी करना जल्दबाजी करना जल्द भैया जी यही है तो टू तो तो मेक समथिंग हैपन सूनर और मोर क्विकली जल्दी से कोई काम हो जाए उसके लिए आप इसको यूज करते हो जैसे देयर इज लिटिल डाउट दैट पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट हैसेंट हर डेथ अच्छा कई बार होता हाँ। है, मुझे लग रहा है इसकी जो जल्दी हुई है न, ये झोला छाप डॉक्टर का, का काम तो इनको डाउट है कहता है, मेरे को छोटा सा डाउट है कि ये जो पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है ना इसका गंदा जो पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है जहां ये तीन दिन में मरना था इन्होंने जल्दी निपटा साहब गलत जगह जल्दबाजी कर दी तो हैसिन का मतलब ये होता है तो हैसिन का मतलब क्या हुआ जल्दबाजी करना ठीक है जी आइए एक्सर्ट यार इसका मीनिंग थोड़ा सा ना अलग है इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है बेटा एक्सर्ट एक्सर्ट पता है क्या होता है जब आप किसी से कोई काम जल्दी कराते हो वो बेचारा उस फोर्स में उस गंदे माहौल में उसको काम करना पड़ता है वो एक्सर्ट आप काम करवा रहे हो जल्दी जल्दी काम करो करो भाई ये करो, तो करोटाट है बेटा इसको लिए बोल दिया जाता है to use power ability to make something. है और आप प्रेशर दे रहे हो पावर का करना. कंट्रोल करने की किसी को कोशिश करना कि वो काम जल्दी से हो और उस एबिलिटी को अपनी जल्दी से वो काम हो एग्जर्ट करना बोलते हैं तो क्या बोला हमने यूसेज देखो इसका टू कट कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाइटर कंट्रोल ठीक है लाइटर कंट्रोल ओवर पेइंग फॉर मेडिकल केयर क्या कर रहे हैं वो कहते हैं जो कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान हैं एक्सर्ट कर रहे हैं टाइटर कंट्रोल तो क्या कर रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं जो मेडिकल केयर के लिए पेमेंट जानी है ना उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो एग्जर्ट का मतलब यह है किसी चीज को करने के लिए पावर का इस्तेमाल करना ठीक है एग्जर्ट ये बोलते हैं ठीक है ठीक है देखो बेटा एक जो मैंने बोला वो तरीके आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए वही है ट्रिवेल ट्रिवेल का मतलब क्या होता है ट्रिवेल का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है ट्रिवेल ठीक है देखो ट्रिवेल पहला मीनिंग क्या है इसका वर्क स्पेशली ऑफ अ पेनफुल और लेबोरियस नेचर

या एयरलाइंस थी वो पता है अपने जो है स्टाफ से क्या है डबल डबल काम करवा रहे थे वो बेचारे दिन में आ रहे थे रात को सो भी नहीं पा रहे थे हाँ और काम कर रहे थे और सैलरी उनकी उतनी ही दी उन्होंने तो ये है बेटा ट्रेविल करना एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन में काम करना और ये होता है ये होता है इसीलिए बेटा सरकारी बाबू बन लेना कहीं तुम ये इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के और चकाचौंध देख लो कहता सूट बूट में जाता जाता ये हमारा भाई तो हाँ। मेट्रो से ही है काम सुबह से शाम तक करना पड़ रहा है भाई साहब में तो बेटा अभी घिस लो ताकि पूरी जिंदगी ऐश वराम की कटेगी एक रिस्पेक्ट वाली जॉब होगी उदा भी होगा रिस्पेक्ट भी होगी इज्जत भी होगी बढ़िया सैलरी होगी और समय भी होगा अपने परिवार के साथ बिताने के लिए क्लियर हो गया ना वरना फिर वही बोलोगे आराम छोड़कर निकलता हूं आराम कमाने ठीक है पूरी जिंदगी लग जाएगी फिर सो एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उसके लिए बोलते हैं देखो उसका एग्जाम्पल द रिसेंट ट्रेवल्स ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री वहां ये ज्यादातर होता है कि डबल शिफ्ट में भी स्टाफ को काम करना पड़ जाता है सो so, ट्रेवल है काम खिंचवाना है ना इस तरीके से लेके चलना तो आप ये बोलते हो तो रश करना बैरल करना हैसिन करना एग्जर्ट करना और ट्रेवल करना उसके एंटोनिक बन गए आज के वर्ड याद हुए और ये अभी टेस्ट में आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अब है है वर्ड नंबर हमारे पास 14 जो कि हमारा अगला स्टेप मतलब आज हमने क्या किया टाइम वेस्ट करना फिर क्या दिया काम को जल्दी करना वो हमारे वर्ड खत्म हुए जिसमें हमने कितने वर्ड्स की नॉलेज ली हमने बेटा अपने आप में थर्टीन वर्ड्स की नॉलेज ली ठीक है अब फोर्टीन नंबर वर्ड से एक नई कहानी है ग्रीगेरियस अच्छा ग्रिगेरियस क्या होती है ियस होता है भाई एक ना हर ग्रुप में एक ऐसा लोंडा होता है जैसे चार दोस्त बैठे हुए हैं ठीक है चार दोस्त बैठे हुए हैं हाँ और पांच में आ गए क्या चल भाई साहब और क्या है तेरी कैसी कट रही है और बता भाई साहब बाबा कैसी है तलाक हो गया ठीक है भैया और बताइए ऐसे सब में घुल मिल जाता है वो सब में घुल मिल जाता है तुरंत मतलब कुछ नहीं हो बेफालतू की बातें कर रहा है हंस रहा है मुस्कुरा रहा है तुमसे पूछ रहा है ठीक है और बताओ शादी कैसी चल रही है अरे तेरे तो हो ही नहीं तेरे तो शक्ल भी ऐसी होगी भी नहीं ठीक है ये चीज है फिर तुम्हें कह रहे हो रे वैसे ठीक है नहीं होगी शादी की रेखा ही नहीं हाथ में तो ऐसे मजाक मस्ती जो करता है ना के एकदम रहता है उस पर्सन को पता है कैसे बोलते हैं यार उसका तो ग्रिगेरियस नेचर है यार उसका तो ग्रिगेरियस नेचर है तो ग्रिगेरियस जो होता है ना मिलनसार का इंसान होता है झुंड में रहने वाला इंसान होता है ठीक है मस्ती खोर सा होता है तो जो लिंक करता है किससे लोगों के साथ बेटा लोगों के साथ

ठीक है जी चलो जी तो हमने बोल दिया ये मैंने गाना चुरा लिया गाना ये कहने को साथ अपने दुनिया चलती है लेकिन चुपके से इस दिल में तनहाई पलती है वाह वाह आगे देखिए भैया गौर फरमाइएगा कवि क्या कहना चाहते हैं फिफ्टीन नंबर वर्ड में कवि कहना चाहते हैं कि इसका एक और वर्ड होता है क्लबी क्लबी का मतलब हो गया बच्चा पार्टी जो क्लब में रहना पसंद करता है क्लबी क्लब में जो रहना पसंद करता है तुमने कमेंट में वाह वाह नहीं लिखा बे भाई है नावा लिखने में वाहवा करने में भी टाइप में इतना इतना मर गए है मजा नहीं आ रहा मेरे को आगे देखो भाई क्लब में जो रहे वो क्या होता है ठीक है जी वो होता है क्लबी जो क्लब में रहता है बेटा क्लब मच का मतलब मिलजुल के रहता है अच्छा तो इसको तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया भैया जी आगे देखो एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट याद रखना बेटा

और तुम बाहर आए हो यो आ, यो करके है कैसा लग रहा हूँ सो क्या लग रहे हो सर ऐसा लग रहा है शर्ट आपके के लिए बने और तुम पता है अंदर पेट से कोई टाइट तो नहीं लग रही क्या बात कर रहे सर आपको टाइट लगेगी शर्ट कमाल लग रहे हो सर रखते हैं तो भैया दे दे और तुम्हें मटके जैसा पेट तुरंत बाहर दिख रहा है लेकिन उसको सामने खींचा हुआ है और वो टाइट शर्ट लेके आ भी गए हो घर पे फिर तुम उसको मम्मी को पहन के दिखाते हो फिर मम्मी बताती है हकीकत अबे मटके ये पेट झाक रहा है बटन के बाहर तो ये शर्ट लाया है और तुम भाई साहब तुम्हारे हो गए मोए मोए ठीक है तो ये होता बेटा का मतलब ऐसे होता है ज्यादातर जो सेल्स पर्सन होते हैं ना वो पाजी एक्सट्रो ही होते हैं वो तुम्हें ऐसा दिखा देंगे बस तुमसे तो बेहतरीन ठीक है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाई साहब तुम हो और तुम वहां से निकलोगे और तुम खत्म भाई साहब तुम खत्म तो ये होती है कहानी यहां पर सो so, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये होता है समझ आया भाई आगे बढ़ते हैं सटको। अब हमने एक्सट्रोवर्ट का देख लिया अब क्या अगला कम पैन भैया जी देखो बेटा कम अलग पढ़ो कम हाँ अलग उड़ा So, आपको कंपेनियन आपको पता चल जाएगा मतलब जिसकी कंपनी आप थोड़ी पसंद करो ना थोड़ा कंपनी पसंद करने वाला इंसान है हाँ तो ऐसे पढ़ना कंपेनियन एबल एबल तो बिल्कुल अलग जुड़ा है सो so, इसको अलग पढ़ना तो आपको स्पेलिंग भी याद होगी कम पैनियन है कम पैनियन है फिर क्या जोड़ोगे बेटा एबल तो वो वर्ड याद हो जाएगा ठीक है और आपको हिंट भी उसकी बहुत बढ़िया मिल जाएगी ठीक है उसके लिए हमने ये वर्ड देखा जिसका मतलब होता है फ्रेंडली होना प्लीजेंट होना जो दूसरों के साथ फ्रेंडली है और बेटा दूसरों के साथ प्लीजेंट है आगे देखो कॉलोनियल कोलोनियल जो कॉलोनी में रहे ओए, हिंटा यारी। कोलोनियल जो कॉलोनी में रहे जो ग्रुप में रहे याद तो हो गया और के बच्चे की जान लोगे लो colonial, जो कॉलोनी में रहे ठीक है इसका मतलब इसलिए मैंने जान पूछ के लिख दिया रिलेटेड टू कॉलोनी जो कॉलोनी में रहता है मिली जुली सरकार मिली जुली पावर सो हमने बोल दिया जो टर्की है एक वंस एक इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पावर है है ना बस उसके लिए ये, ये यूज कर रहे पावर क्या है नाउन नाउन से पहले क्या हुआ एडजेक्टिव मिला जुला आगे देखो बेटा क्या लिखा है कॉर्डियल कॉर्डियल भैया जी कोडियल कैसे याद करोगे एक बात बताओ जो कोऑर्डिनेशन में चले कोर्डियल है जो कोऑर्डिनेशन में चले कोर्डियल है जो कोऑर्डिनेशन में चले छोटू ध्यान दीजिएगा बेटा जो कोऑर्डिनेशन में चले वो कॉर्डियल है जो कोऑर्डिनेशन में चले वो कोर्डियल है।, है ठीक है जी ठी? बिल्कुल ऐसा है डन है ऑफलाइन बैच बेटा मैं निकालूंगा नगर मार्च में और अभी अगले हफ्ते मुखर्जी नगर आ रहा हूं किसी एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का नाम नहीं बता रहा मुखर्जी नगर किसी एक नहीं दो तीन लाइब्रेरी में आऊंगा और बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा जो जो बच्चे सही आंसर देंगे उनको बुक फ्री मिलेगी जितनी क्लासेस हुई है ना इन क्लासेस में से क्वेश्चन पूछूंगा मुखर्जी नगर लाइब्रेरी में देखकर दर्शन दूंगा मैं और वहां क्वेश्चन पूछूंगा जितनी वो क्लासेस हुई है उनमें से जिसने मतलब बताया बुक फ्री

कोऑर्डिनेशन एक महीने बाद निकालेंगे ऑफलाइन बैच सोच रहा हूं खर्ची नगर निकालेंगे एक महीने बाद कोडियल का मतलब ये हो गया नेक्स्ट अगला सर दिखे वर्ड कोर्डियल फ्रेंडली होना बट फॉर्मल और पोलाइट जो कोऑर्डिनेशन में काम करे ठीक है ना जैसे कोर्डियल स्माइल कोर्डियल स्माइल पता है क्या होती है अच्छा एक बात है तुम्हारे साथ एक घटना घटी होगी पक्का अब कोई गुजर गया है ठीक है हाँ और देखो सबके साथ हुई होगी एक चीज कोई गुजर गया है अब कोई गुजर गया है तो चलो सपोज करो कोई बुजुर्ग गुजर गया है और आपको वहां सीरियस रहना होता है और आप एकदम यूं खड़े हो यूं करके खड़े हो अब हमारी गंदी आदत कितने कब तक सीरियस रहे अब कोई बुजुर्ग है वो गुजर गया कब तक सीरियस रहे इतने में तुम्हारा दोस्त आ जाता है हर दोनों यूं खड़े हो हार दोनों कोई आंखें नैन में टक्का होता है दोनों आप आंखें देखते हो देखो और तुमने आंखों आंखों में सोलो सारी बात कर ली कैसे है तुम हाँ सब मस्त है और सुना हाँ ठीक है तो नहीं करते हैं सर दोबारा ना हो पर ना दोबारा फिर हंसने वाले ये है बेटे एक तरीके से आप एक को होडियल स्माइल जो होते हैं ना एकदम मिलनसार वाली एकदम कोडियल स्माइल तो उसके ये बोलते हैं आंखों आंखों में सारे की सारी बातें हो जा रही है ये और ये कहानी है अब एक बच्चा कह रहा है सर वहां कोई गुजर गया और आप ये। भाई हकीकत क्या करूं अरे हमसे गंदा माहौल तो लड़कियों का है हम गुजर गए हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कैसे हालचाल हमारे तो भाईचारे में स्माइल आ लड़कियां तो और गंदा काम करते हैं पता है क्या करते हैं कोई गुजर गया हाँ एक लड़की आई हुई है हाँ दूसरी लड़की भी उसकी फ्रेंड वगैरह आ गई हाँ और वो भी लड़की भी ऊपर देख देखे हंसे उससे पता है क्यों जी कैसी लग रही हूँ मैं ठीक लग रही है लेकिन ये ज्यादा सूट बढ़िया लग रहा है और तेरे वाला हाँ तूने कहां से लिया है सूट हाँ उनकी तो ये बातें होती है उससे अच्छे तो हम ही है प्रभु हम कम से कम ये तो पूछ रहे हैं तेरी जिंदगी कैसे चल रही है घर परिवार कैसा चल रहा है चलिए ये हो गया हो गया उनका अलग ही है मैं कैसी लग रही हूं वहां लोंडा मर गया है वहां कोई गुजर गया उनसे कोई मतलब नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ तूने ये सूट कहां से लिया मैंने वहां से लिया तेरे को इतना कपड़ा हाँ भाई मेरे को तो इतना कपड़ा था यार कहां से मैं भी वहीं से लाऊंगा उनकी ये चर्चा और ठीक है और इससे एक और गंदा बात जैसी को देखो रोना स्टार्ट कर सकती है तुरंत जिनकी उनको आंसू भी ले झूठ मूठ के उनका कोई मतलब नहीं है उनका कोई स्नेह भी नहीं है जो गुजरा वो झूठ मुठ के आंसू भी लेंगे तुरंत हम लोंडे ही सही कम से कम जो अंदर है वो बाहर तो है ऐसा तो नहीं है दो है कि नहीं चलो चलो कर रहा हूं। चलो जी, लेकिन याद आए कि वेलकम या, या रिसेप्शन होता है बेटा जिसमें आप थोड़ा सा मुस्कुरा के चलते हो ठीक है जी चलो आगे देखो बेटा अफेबल यार एक बात बताओ आपका अफेबल नेचर है अगला वर्ड याद कराने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है अफेबल होना मतलब एक बात बताओ बेटा अफर्मेटिव ए डबल एफ अफ मतलब हाँ affable होना, affable होना है जिसके साथ आप आराम से घुल से बात कर लोगे सो so ये होता 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 है होता है है और जो क्या फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू फ्रेंडली है और जिससे आप इजीली बात कर सकते हो तो शी वॉज क्वाइट अफेबल एट द मीटिंग तो आराम से अफेबल आराम से, से, से आप बात कर सकते हो उसको देख लगे के लगेगा कि इंसान चिड़ेगा नहीं आपसे तो अफेबल नेचर हो जाता है तो याद रखिएगा अफेबल ठीक है आ जाओ जी कैसे रखोगे ए कहा ध्यान रखना वर्ड कौन सा है जी ट्वेंटी अगला वर्ड है बेटा हमारे पास एमिएबल क्या है एमिएबल एमिएबल देखो अफेबल एबल था एमिएबल ये था बेटा सो so, एमिएबल का मतलब आप देखो प्लीजेंट और फ्रेंडली एक और किस्सा याद आ गया आप कहीं जाते हो आप रास्ता पूछते हो आप किसी से रास्ता पूछते हो तो तुम पता है क्या करते हो लोगों का चेहरा देखते हो कहते दे इसके चेहरा से लग रहा है ठीक नहीं लग रहा अरे इसका चेहरा ठीक लग रहा हाँ ये बात कर लेगा ए भैया इधर जाना रास्ता जरा बता ही दो गए क्यों क्योंकि आपको वो अफेबल लगा आपको वो एमियेबल लगा तो होता है जिसके चेहरे उनसे पूछो अंकल ये रास्ता बता दोगे कहा जाना है अरे इस जगह जाना है कहां से आ रहे हो अब हमने बोले यार रास्ता बता काम छोड़ पर बहु कहां से आ रहा हूं कहां जा रहा हूं भाड़ में गया बता ना पता है तो तुम हो ठीक है अंकल मैं ढूंढ लू रह आगे चल तो ये चीज़ यहाँ पर होती है तो ऐसे लोग एमियेबल नहीं होते हैं कई कई तो है। तुम्हारी पे बैठने को जाते है। कहां जाना है अरे, दर, अरे मैं छोड़ देता हूं अब तुम रास्ता बता दे अरे नहीं भैया मैं छोड़ता हूं ना आप घूम जाओगे बहुत पतली गलियां मैं छोड़ के आता हूं तो ऐसे जो लोग होते हैं मिलनसार वाले ठीक है मिलनसार वाले एकदम भाई साहब तुम्हारी बाइक पे बैठने को मैं छोड़ रहा हूं ना आपको चलो 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 बस तो ये चीज है So, amiable है, है, तो है, है, ये सारे आपको ना दिखाई देंगे ठीक है जी, ठीक है भैया जी का रहे हो आगे बढ़ जाएं। चलो, आगे बढ़ चलो देखो, अब अगले पास अपने पास अपने क्या बन रहा है लेकिन बेटा दी, काम करो। कहां गया कंपेनिबल हो गया कोडियल हो गया एमिबल हो, 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 हो गया कितने हो गए भैया जी बीस इक्कीस वर्ड हो गए बाईसवा वर्ड देखते हैं अब नफरत चालू ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मतलब सब बर्बाद हो गया भैया हम किसी से प्यार से बात नहीं करेंगे क्यों हम हमें एंटी सोशल एंटी सोशल एंटी उल्टा। एंटी उल्टा का जो मतलब होता है ना बेटा उसका मतलब होता है उल्टा अब एंटी सोशल आप बन रहे हो तो आप उसका क्या बन रहे हो उल्टा एंटी सोशल हूं मैं तो एंटी का मतलब ये हो गया मैं तो उल्टा करूंगा इसको किसी से नहीं मिला फाड़ में की दुनिया हमने देखी है दुनियादारी कोई किसी की मदद नहीं करता है मैं एंटी सोशल बन गया नेक्स्ट देखो मैं एक्सट्रोवर्ट था तो मैं इंट्रो इंट्रोवर्ट हो गया अपने ही आप में मतलब है है होता नहीं इंट्रोवर्ट कई बच्चे होते हैं शादियों में उन वो इतने ज्यादा होते हैं मम्मी को ढूंढना पड़ता है लोंडा कहां गया साला ऐसे घूम रहे होते हैं शादी में जैसे उनके घर में ही शादी है और उसके चाचू की शादी है और वो ऐसी शादी में गए जो रिश्तेदार होते हैं जिनमें आप गोई भी सोलो हो जाते हैं कभी कभी शादी में जाना मजबूरी हो जाता है लेकिन अपने घर का वो लोंडा उसी शादी में ऐसे खा रहा होता है ऐसे पी रहा होता है और ऐसे पूरे के पूरे टेंट में घूम रहा होता है जैसे अपने ही यहां शादी और चाचू की शादी बस चले को उतार के घोड़ी पे वो जा वो बैठ भैया इतने होते हैं कई लौंडे ठीक है उनको पता ही नहीं मम्मी बाबा आप कहा घूम रहे हैं शादी में उन्हें कोई मतलब नहीं है मम्मी ढूंढती ढूंढ दूंग रही है ठीक है मैच के नीचे ढूंढ रही है लोंडा कहाँ का चला गया भाई साहब उनको कोई मतलब नहीं है वो अपना कोक को फेंटा को स्प्राइट को ठीक है उन सारी कोल्ड ड्रिंक को मिक्स कर रहा है उसमें जो जो कहता है देखो भाई साहब कैसा टेस्ट लगता है अलग ही माहौल सेट किया हुआ है वो एक इंसान होता है जो सोशबल होता है <laughs> वो ना मिल इंसार। जहां हम मिलते हैं तो दिल खोल के, के पल्लू से बंधे रहेंगे कई रोतड़े रहे होंगे वो भाई साहब वही है वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं वो अंदर ही अंदर घुटते हैं वो बैठे रहते हैं शादी में वो पूछते हैं मम्मी कब चलेंगे हाँ मम्मी चलो ना मम्मी अब तो चल रहे मम्मी कहते छोड़ साला खाना चल तू चल घर ही मर तू चल तो ऐसे लोग होते हंस जो, जो रहे ना वो ऐसे ही थे मम्मी से पूछना अपनी मम्मी क्या मैं क्या करता था शादियों में तुमने अबे मां बाप को भी ढंग से खाने दिया ठीक है तुम हो इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान इंट्रोवर्ट ये होता है अच्छा ऐसा ही एक होता है बेटा रेक्लूसिव रेक्लूसिव इंसान ऐसा होता है जो बाहर जाना एकदम ना पसंद करता है रेक्लूसिव बन गया लिविंग अलोन एंड अवॉइडिंग गोइंग आउटसाइड और टॉकिंग टू अदर पीपल जो दूसरे लोगों से बात करना अवॉइड करता है उसको हम बोलते हैं बेटा रेक्लूसिव शी बिकेम इंक्रीजिंगली रेक्लूसिव आफ्टर द ट्रेजेडी कुछ ऐसी घटना होगी जैसे तुम्हारे साथ भी कई होंगे जिनका ब्रेकअप हो गया होगा है ना भैया जी उन्हीं के कहता है सर मेरे घर के नीचे से ही बरात गई सर हाँ बस दूल्हा चेंज था गुरु जी मैंने कहा हुआ कहता है, सर एम टी एस का रिजल्ट आया था हाँ उसमें नंबर नहीं आया हाँ तो शादी के कार्ड से नाम डकट गया सर फिर सर अब मैं रेक्लूसिव हो गया हूँ अब रेक्लूसिव हो गया हूँ स्ट्रेटीज के बाद तो अब अकेला ही अच्छा लगता है सर क्या रखा प्यार मोहब्बत में ठीक है तो रेक्लूसिव होता है जब आप थोड़ा अकेला अपने आप को पाते हैं और अकेला ही रहते हैं अब आप किससे नहीं मिल रहे ठीक है अगला बेटा नॉन ग्रीगेरियस यार ये तो मैंने पढ़ा दिया

फिर तुम ऐसे शादी में जाते हो कन्यादान डाल देते हो हाँ, फिर देखते हो आजू बाजू किसी को जानते ही नहीं हो अब आप अलूफ महसूस कर रहे हैं मतलब बाकी लोगों से थोड़ा हटके ठीक है या कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल अकेले रहते बैठे रहते उनके लिए भी अलूफ बोलते हो अलूफ दूसरों से एकदम डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो

Friendly, willing to take part in thing. तो आप पार्ट नहीं लेना चाहते बाकी सब जैसे मना रहे हैं साथ ना, कहीं तुम में बैठे हो क्या तुम्हारा हो जाए तो बता देना खाना खा रहा हूं मैं तो, भाई। तो आप अलूफ मतलब ज्यादा घुलना मिलना आपको ज्यादातर पसंद है नहीं तो शी सीम्ड रादर अलूफ वेन इनफेक्ट शी वो जस्ट शाय क्या तो वो लगती बच्ची अलग अलग रहती है लेकिन वो थोड़ी सी शाय अलूफ अलग रेटिसेंट। अच्छा रेटिसेंट का का मतलब मतलब पता है 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 क्या होता है? तो का मतलब होता है जो अपनी ठीक है इसको कई बार हम ये भी बोलते हैं जो हिचकिचाए बोलने में जो बोलने में नहीं बताना चाहता मैं नहीं बताना चाहता वो अपने पास्ट को लेकर एकदम से क्या है चुप कहता हुआ क्या था चुप बात नहीं करना चाहता तो वो ऐसा क्या है रेटिसेंट है तो वो ज्यादातर आप उसको क्या पाओगे कि सर रेटिसेंट है मतलब अपने पास्ट के बारे में अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी भावनाओं के बारे में वो बात नहीं करना चाहता बेटा ऐसा होना मत आप गलत बात रेटिसेंट नहीं होना आपने ठीक है ना और दूसरा है मेरे बच्चे टेसिटर्न चो एकदम चो टेसिटर्न जो बसंती का कैरेक्टर याद है ये कि मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत नहीं ठीक है फिर अब दाव तुम्हारा नाम क्या है बसंती ठीक है तो ये टेसिटन उसको उल्टा है जो कैरेक्टर दिखाया गया था ना शोले मूवी में अमिताभ बच्चन का वो था चुप ज्यादा रहता था ठीक है चुप सो टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच ही इज एंड अगर आप ऐसा हो आप एक दो लोंडे पता है क्या सोचेंगे हाँ मिल गया साला स्टेटस क्या अब तेरा भाई अपने ना हा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ना हा टेसीटन पर्सन लिख देगा

ये आपके लिए आप इसके मीनिंग अंडरस्टैंड करोगे समझे भैया जी ठीक है चलो आगे देखो आगे वर्ड कहा 28, 29. ये लास्ट सीरीज है भाई अब तैयार हो जाओ अब तैयार हो जाओ बेटा अब इसके बाद सीधा टेस्ट है भाई तैयार हो जाओ और हमारे पास वक्त है एग्जैक्टली दस मिनट का दस मिनट का समय है खत्म करनी है क्लास दस मिनट का एक घंटे नेट पढ़ाऊंगा बेटा छह पांच सात पे चालू हुई थी पे खच, हो जाएगी। उतना ही मैंने प्रोजेक्ट उठाया हुआ इन जेंडर का मतलब जनरेट करना तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए इन जेंडर का मतलब जेंडर का मतलब क्रिएट करना पैदा करना इन जेंडर करना ठीक है जैसे एक बात बताओ कोई हाँ तुम्हारी गाड़ी थी ठुक गई ठीक है जी ठुक गई किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गए अब तुम्हारा दोस्त होगा तो भाई साहब तो, तो, तो बहुत ज्यादा लगी चोट अब तुमने क्या किया उस लड़ाई में ठीक है तुम्हारे जो ये शब्द हैं उसमें वो आग का काम करेंगे किसका आग में घी का, का काम करेंगे तो तुम्हारे शब्दों से लड़ाई चालू होगी लगी छोटी सी स्ट्रेच थी लेकिन तुमने भाई साहब अच्छा तुम बचपन में ऐसा नहीं करते थे दो लोंंडों को लड़वाते थे ये एक लोंडा एक ये लोंडा है हां तो उसने बोला कुछ भाई साहब गाली दे दी भाई साहब मेरे को ऐसी गाली देना तुम क्या कर रहे हो इनजेंडर कर रहे हो क्या लड़ाई तो किसी चीज का कारण बनना या कोई चीज पैदा करना उसको इंजेंडर बोलते हैं भैया जी ठीक है इंजेंडर बोलते हैं सो कॉज और गिव राइज टू फीलिंग और सिचुएशन ठीक है और कंडीशन और मेक अ सिचुएशन स्टार्ट टू एग्जिस्ट किसी सिचुएशन को किसी कंडीशन को तुम्हारी वजह से एग्जिस्ट हुई है चाहे वो लड़ाई हुई हो तुम्हारी वजह से कुछ भी हो उसको बोलते हैं बेटा इंजेंडर जनरेट करना इंजेंडर करना ठीक है जनरेट करना ठीक है जी उसको ये बोलते हैं तो ये चीज ध्यान में रखो अच्छा जैसे कई सारी मूवीज हैं वो जान पूछ के कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करती है ताकि मैं लाइम में लाएं 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 आ जाऊं जान पूछ के डिसरेस्पेक्ट करेंगी हमारी किसी होली चीज का जिससे हम भड़केंगे और उनको पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी जान पूछ के करते उनमें उन्हें कहना है नहीं तो वही है तो हिज लेटेस्ट बुक हैज इनजेंडर्ड अ लॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी तो इसकी बुक ने पैदा कर दी क्या बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसलिए बेटा पैदा करना इसका यह मतलब निकल के चलता है पैदा करना इसका मतलब निकल के चलता है बेटा लाइक और शेयर जरूर करना जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आज जुड़े हैं बैच ऐसे ही चलता रहेगा बिंदास चलता रहेगा बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा लेकिन अपना जोश अपनी ऊर्जा ऐसे ही बनाए रखिएगा ठीक है, है भैया जी ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इसका मतलब इसका चुनौनी अगला वर्ड क्या है इंड्यूस करना देखो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंड्यूस टू परसुएड अच्छा परस्वेड जानते हो किसी को पर्सुएड, किसी को मनाना कर लेना यार करना ये काम करना, करना।, करना तो टू समवन, इंड्यूस करने का मतलब है टू डू समथिंग, किसी को मनाना कि करना यार काम कर लेना टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को होने के लिए कारण बन जाना कर लेना यार काम तो मैं पर्सुएड कर रहा हूं आपको कर लेना यह काम ठीक है तो दे इंड्यूस्ड हर टू टेक द जॉब बाय प्रोमिसिंग एडिटोरियल फ्रीडम या ज्यादा आप ये बताओ सैलरी का वादा कर ज़्यादा तनखा मिलेगी इंड्यूस कर रहे हो तो उसको परसुएड करने की आप कोशिश कर रहे हो उसके लिए यूज होता है इंड्यूस hmm. नेक्स्ट है बेटा इनवॉक करना इनवॉक का मतलब भी क्या होता है टू यूज अ लॉ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग कानून का सहारा लेना कुछ अचीव करने के लिए पूरे लॉकडाउन में ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने इनवॉक क्योंकि पुलिस ने कानून का सहारा लिया था लॉकडाउन लगाने में आने जाने पर पाबंदी लगाई थी तो ये रखना टू मेंशन समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग किसी चीज को मेंशन करना कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए इनवॉक करना टू सपोर्ट योर ओपिनियन और एक्शन अपना काम निकलवाने के लिए अपना एक्शन को सहारा देने के लिए कानून का सहारा या किसी चीज का सहारा लेना इनवॉक करना है पुलिस कैन इनवॉक द लॉ पुलिस लो को लागू कर सकती है ठीक है टू रेगुलेट एक्सेस ठीक है प्लेस इन प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए तो लॉकडाउन में इनवोक आपने वर्ड बहुत सुना होगा तो उसकी वजह से चीज आपने कंट्रोल में की थी इनवोक हो गया चलो फटाफट करते हैं अगले वर्ड फिर मैं टेस्ट लेता हूं ब्रिंग बेटा लाना लागू करना ब्रिंग भी भी तो होता है। Bring भी तो होता होता है है ब्रिंग ब्रिंग लागू करना लेकर आना मतलब लागू करना अच्छा जेनरेट करना इन जेनडर जेनरेट करना यार ये वर्ड तो सुना होगा बेटा सबने जेनरेट करना तो ये वर्ड तो सुना होगा ठीक है अरे कहा गया ये वर्ड तो सुना होगा जेनरेट

आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग है क्या टू कॉज समथिंग न्यू कुछ नया होने का कारण बनना मेनी न्यू थिंग्स नई चीजों का कारण बनना टू ग्रो और स्टार्ट सडनली किसी चीज को ग्रो करना या चीजों को चालू कर देना देख रहे हो तो दो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है बेटा क्या पता पेपर में ऐसा आ जाए क्या पता पेपर में आ जाए द न्यू इकोनॉमिक फ्रीडम हैज ऑफ न्यू स्मॉल जैसे इस जो पॉलिसी आई है इस पॉलिसी की वजह से नए बिजनेस पैदा हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं स्पॉन भाई साहब कितना खतरनाक है। आपने में बहुत बार सुना अब तो बहाना नहीं रहेगा लेकिन बेटा रिवाइज करते रहना वरना बोलोगे थोड़े दिन में किताब से आपको होमवर्क देना भी स्टार्ट करूं ठीक है तो किताब अपनी मंगवा लीजिएगा अभी आपके पास टाइम नेक्स्ट एक बेटा स्पॉन का मीनिंग समझ में आ गया भाई स्पॉन का मतलब कैसे एग्जाम्पल याद रखा करो सर ये इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई है ना हाँ इस पॉलिसी से कई नई बिजनेस पैदा हो जाएंगे नेक्स्ट से बेटा इल्ड क्या है इल्ड इल्ड का मतलब भी होता है मेरे बच्चे कुछ प्राप्त करना कुछ सप्लाई करना प्रोड्यूस करना समथिंग कुछ प्राप्त करना अच्छा कई जैसे ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं कितना इल्ड कर पाऊंगा कितना कमाई निकाल पाऊंगा कितना अब मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा इल्ड का मतलब होता है ठीक है चाहे वो अमाउंट ऑफ फूड हो इंफॉर्मेशन हो प्रॉफिट हो कितना प्रॉफिट कमा पाऊंगा इल्ड कर पाऊंगा सो एन अटेम टू इल्ड इनक्रीज प्रॉफिट होता है ना इल्ड मतलब कितना मैं कमा पाऊंगा कितना खींच पाऊंगा कितना ले पाऊंगा वो चीज यहां पर होती है वो भी इसका सिनोनिम आप लेकर चलते हो चलो अगला वर्ड है इनिशिएट करना अरे यार होता नहीं है यार कौन इनिशिएट करेगा यार यार तू इनिशिएट कर दे यार प्लीज यार तू पहल कर दे यार आजा तू लागू कर दे चीज को आजाद तू क्या कर दे इनिशिएट कौन करेगा ये वर्ड आपने कई डायलॉग्स में सुना होगा सो इनिशिएट का मतलब ये होता है कौन चीजों को चालू करेगा ठीक है किसने लड़ाई इनिशिएट की थी किसने लड़ाई इनिशिएट की थी मतलब किसने चालू की थी लड़ाई तो वो चीज यहां पर है है इनिशिएट करने का मतलब होता बेटा वो चीज किसने इनिशिएट मतलब किसने वो चीज चालू की थी किसने पहल की थी भाई एक मस्त डायलॉग याद आ गया किसने पहल की थी इनिशिएट करना है आ जाओ इसका मतलब ये जो वर्ड आपने पढ़ा है इंजेंडर करना इंजेंडर करने का मतलब है कोई चीज लागू करना चालू कर दी कोई चीज लागू करना चालू करना पैदा करना क्या क्या है एक बार मेरे साथ छोड़ो इंजेंडर करना कॉज करना इंड्यूस करना इनवॉक करना ब्रिंग करना जनरेट करना, करना स्पॉन करना इल्ड करना इनिशिएट करना मेरे दोस्त ये सैंतीस वर्ड हो गए ठीक है जी अब आगे पढ़ो इसका एंटोनिम मतलब अब चीजों को करना नहीं है रोक दो उन पर रोक दो तो भाई अब तक हमने क्या किया ये चालू की चीजें अब क्या करनी है रोक दो तो रेसिस्ट कर दो रेस्ट्रिक्शन डाल दो रेस्ट्रिक्ट कर दो चीजों को रोक दो वहां तो चीजें करनी थी इंजेंडर करनी थी जनरेट करनी थी ब्रिंग करनी थी स्पोन करनी थी इल्ड करनी थी समझ रहे हो वहां तो हमें चीजें इंड्यूस करनी थी इन्वोक करनी थी मुझे याद है भाई क्यों क्योंकि पागलों की तरह मेरे बच्चे मुझे इसमें पौने दो घंटे डेढ़ घंटे से ज्यादा लगता है ये असाइनमेंट रेडी करने में अपना असाइनमेंट मैं खुद रेडी करता हूं यह मेरी लैंग्वेज है इसलिए मैं कहता हूं बेटा जो मैनेज किताब लिखी है वो कैब की शानदार किताब है इस लेवल की टक्कर की कोई किताब नहीं अब कोई भी किताब का नाम मत ले देना मेरे सामने सर फला फला बुक है कॉपी पेस्ट है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट करके देना वो किताब नहीं होती गूगल पे सर्च कर लो सीरियल प्रीवियस आ जाएंगे सारे वर्ड की लिस्ट लिस्ट किताब नहीं होती किताब का मतलब है दम है तो एक्सप्लेन कर एक्सप्लेनेशन होती है किताब लिस्ट किसी चीज को इकट्ठा करके पेश करना किताब नहीं बेटा इसलिए फ्यूचर मत बर्बाद करना एक्सप्लेनेशन के साथ किताब पढ़ना और कोई वर्ड समझ नहीं आए गूगल पे ढूंढो सर्च करो ढंग से उसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन समझो उससे क्या फायदा होगा आपकी रीडिंग अच्छी होगी आपकी रीडिंग अच्छी होगी आप मेच्योरिटी पे तुम क्या कहते थे आज से पहले तुम्हें वो कैब याद नहीं होती अरे तुम्हें तो याद हो जाए सोर्स गलत है तुम्हारा आपको तो वो कैब याद हो जाएगी सोर्स गलत है सोर्स गलत है और तुम अपने आप में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें वो कैब याद नहीं होते अरे बेटा तुम्हें तो वो कैब याद हो जाएगी जिस किताब से करो उसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं है अब देखो अब हर वर्ड की मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है ढंग से देखना कितने सिंपल शब्द करके एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल है बैठेगी दिमाग में सही है चल तो हमने क्या बोल दिया इंपीड अगला वर्ड इंपीड होता है बेटा किसी चीज को रोकना कैसे टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन किसी चीज का होना और ज्यादा मुश्किल कर देना ठीक है मोर डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग किसी चीज के लिए किसी चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देना कि वो कर ही ना पाए ही शायद थोड़ा सा शर्मिला है इट सर्टेनली हैज नॉट इंपीडेड हिज करियर इन एनी वे बच्चे एक बात बताओ बेटा अगर कोई एक्टर शर्मिला हो हाँ तो भाई साहब वो एक्टर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका शर्मिलापन उसको क्या कर देगा इंपीड कर देगा किसको उसके करियर को उसके करियर को रोक देगा इंपीड कर देगा तो इंपीड का मतलब है रोकना तो वो शाही है अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती आप वो में कमजोर हो ये कमजोरी आपको इम्पीड कर देगी आपके सिलेक्शन लेने से आपको नहीं करना है ऐसा अगला बेटा क्रश कर देना तोड़ दो क्रश करने का ये तो मतलब है क्रश करना खत्म रोक दो क्रश कर दो रोक दो चीज को ठीक है तो अगला क्विल क्विल होता है बेटा शांत कर दो शांत हो जा बस ऐसा करते हो ना <laughs> ऐसा जानवर कौन थोड़े बास, बास, कर लो शांत तो बास, बास बास चेटी मर गई शांत हो जाओ ठीक है तो इसको बोलते हैं बेटा वहां आप क्या कर रहे थे इंजेंडर कर रहे थे यहां शांत शांत बास बास कूल हो जाओ कूल हो जाओ का मतलब बेटा टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स रोक दे इसलिए मैंने जानवर का एक्जाम्पल लिया खींचते ना

टू नॉट अलाउ समली फीलिंग टू बी एक्सप्रेस अपनी भावनाओं को बस यही बेदबा रिप्रेस करते, ये भी करते थे मस्त याद है तुम्हें रिलेट करोगे मैं बातें सारे रिलेटेबल बोलूंगा आपके साथ बचपन में हम हम ना उस जनरेशन से हैं जहां पीटा भी जाता था और यह कोशिश की जाती थी कि ये रोए भी ना क्योंकि अगर तुम रोए तो तुम्हें फिर से पीटा जाएगा इसलिए कि तुम पीटने पर तुम रोए क्यों मा समझना हम उस जनरेशन में हैं जहां पीटा जाता था और पीट कर यह उम्मीद की जाती थी कि ये रोए नहीं अगर रोए तो फिर पीटा जाता था कि मैंने जब तुम्हें पीटा तो तुम रोए क्यों सो तुम रोए इसलिए तुम पिट रहे हो पहले तुम पिट रहे थे क्योंकि तुमने गलती की लेकिन अब उस गलती पर जब तुम पिटे और तुम रोए फिर तुम इसलिए पिट रहे हो कि तुम मेरे पीटने पर तुम रोते क्यों अब सला ड्रामा कर रहा है ये अब उस जनरेशन से तो जब हमें रोना आता था तो हम अपने रोने को क्या करते थे हम अपने रोने को क्या रिप्रेस करते थे कि जो मेरी सडन डिजायर आ रही है ना रोने की मैं उसको रिप्रेस करके अंदर ही अंदर पी गया मैं अपने रोने को ठीक है अच्छा फिर हम उसी जनरेशन से हैं अगर हम रोए नहीं तो हमारे पिताजी कहते थे यह साला ढीठ हो गया है पीटने पर आंसू नहीं है इसकी आंखों में यह जानवर बन चुका है अब इसको कोई भावना ही नहीं है इसके दिल में मैं इसको पीट रहा हूं उसको तो मैं दुश्मन नजर आ रहा हूं सो रोए तो पिटोगे नहीं रोए तो तुम ढीठ बन चुके उस पर मार कभी कोई असर नहीं होता ये सला जानवर बन चुका है और हम देख रहे हैं को पापा चाहते क्या ओ रो कि नहीं रो ऐसे पापा करते थे अब बच्चे कह रहे मम्मी मम्मी का स्टाइल मम्मी भाई साहब मम्मी मैं कह रहा हूं बेस्ट है किस चीज में मम्मी बहुत गजब की थी मम्मी पहले कूटती थी और इतना कूटती थी कि तुम्हारी कमर पर चप्पल के निशान तक छप जाते थे जो भी थे सहता नहीं करता है पता है ना तुझे कितना मैं प्यार करती हूँ तुझसे तो और तुम्हें तो कह रही मम्मी प्लीज थोड़ा कम प्यार कर ले यार ये प्यार देखे कितना पूरी पीठ पर छप गया आपका प्यार कम प्यार कर लो इससे बढ़िया तो पिताजी थे सामने से दिखते थे पीटते हुए मम्मी पीटती थी कूटती थी बाद में सहलाती थी तुझे तो पता है ना और यूं रोती थी और अब हम ये सोच रहे हैं भाई सब क्या करूं मैं कहां जाऊं ठीक है तो भाई तो सब बचपन पूरा मोए मोए में बीता है तुम्हारा मैं ये कह सकता हूं तो वहां आप रिप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को जो रोना आता था आपने बोला आप पी जाएंगे घोट पे जिंदगी में ठीक है इस तरीके से बचपन बीता है ये थी हमारी बचपन की कहानी पता ही नहीं चला बचपन कहाँ गया और कुछ ऐसे में साला रील में कहते हैं काश कोई हमें बचपन के दिन लौटा दे उस साला हमें ना लौटाए भैया बचपन के दिन हम भैया जवानी में ठीक है भैया जी हमें बचपन के दिन काश कोई ना लौटा दे और उसमें ना नीचे इतनी कमेंट्स आ रखी होती है हाँ हाँ बचपन की तो बातें ही अलग थी काश कोई स्कूल में भेज दे हमें ना भेजे भैया स्कूल में हमें कसम से मां कसम बचपन नहीं चाहिए भैया जी बचपन चाहिए नहीं हम जवानी में ठीक है बचपन बहुत कुटाई का था भैया जी हमें चाहिए ही नहीं बचपन

पकड़ इसको तो मम्मी क्या करती थी मुंह ऐसे पैर होते ना पैरों के बीच में हमारे मुंह को फंसा देती थी हाँ, चम्मच उठाती थी, थी हाँ, और हम ना हमने और सीधा दूध <Boldumuz> <मललललल> <गीता गुण> ऐसे उल्टे करके हम दूध पी रहे होते थे हम तो वो जनरेशन है अली बाबू वाली जनरेशन तो है ही नहीं चलो शुक्र है भगवान का लेकिन जो भी था बस था आजकल के छोई छुईमुई बच्चों को क्या पता दूध कैसे पिलाती है माँ ठीक है चलो जी आगे आगे देखते हैं चलो अभी मैं मूड में हूँ तो एक और जोक सुना देता हूं नहलाने की जब बारी आती थी मम्मी कैसे नहलाती थी मम्मी सड़क पर खड़ा कर देती थी, थी नंगा करके बचपन में और सड़क पर ही जो पानी आ रहा होता था उसी से पानी डाल रहे होते सड़क पे ही नंगे खड़े हो तो, कोई तुम कोई शर्म लाज नहीं हो तुम तुम कह रहे हो मम्मी जल्दी से नहला दे और मम्मी उसी से नहला रही है मम्मी का बस चलता हमें उल्टा करके सड़क पर ही रगड़ देती है जर जर जर

चलो वो था बचपन चलिए जी आगे बढ़ते हैं लास्ट वर्ड बहुत है सादी आज मैंने तुम्हें बेटा अगला वर्ड स्टाइफल अच्छा स्टाइफल का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग कोई चीज होने से रोकना या बीइंग एक्सप्रेस्ड और कंटिन्यूइंग किसी चीज को एक्सप्रेस करने से या कंटिन्यू होने से रोक देना

स्टाइफल वर्ड नंबर 43 था चलो बहुत आसा थी आज मैंने आपके लिए 43 वर्ड्स आज हमने किए अब है टेस्ट की बारी अब है टेस्ट की बारी बेटा ये किताबें ये, ये भी मंगा लो और ये भी मंगा लो आपके पास समय भी है क्योंकि अब टेस्ट के बाद बताता हूं ये दोनों बुक मंगा लो बेटा दोनों की बुक दोनों की दोनों याद करानी मैंने इसमें एंटोनि बाकी चीजें जो भी याद करा रहा हूं बाकी इसमें रूट वर्ड वगैरह सारी चीजें ठीक है ये मंगा लेना बहाना नहीं ये खर्चा करके चलना कहीं कंजूज बन के बैठ जाओ पढ़नी है ये किताबें ठीक है चलो जी अब हम टेस्ट की बारी आती है और टेस्ट जरा आप कंडक्ट करते हैं एक सेकंड मुझे वक्त दीजिए मैं एक बार टेस्ट ले लेता हूं ठीक है मैं एक बार टेस्ट ले लेता हूं आनंद टेस्ट का है व्हाट्सएप टेस्ट आ गया आ गया ना बेटा एक मिनट लाइट जाएगी ओ भाई लाइट गई भाई लाइट गई लाइट भी, लाइट, भी। लाइट नहीं गई भैया जी कैमरा बंद किए हैं क्योंकि अगर नंबर वंबर दिख गया भैया तो मैं फिर से व्हाट्सअप पे मैंने टेस्ट डाला हुआ है एक बार हम टेस्ट में बस डाउनलोड कर लू उतनी देर के लिए कैमरा बंद है अरे भैया कोई नहीं उठेगा कहा जा रहा है वापस तो बैठ जा भैया आ गया कैमरा कर दो ऑन डाउनलोड हो गया ना ये ठीक है कर दो, कर दो उनको दो कैमरा ऑन करो बेटा ये हमारे पास आ गया है क्लास नंबर टू का टेस्ट अब जरा टेस्ट के लिए जी हो जाइए तैयार लाइट आ गई बेटा लाइट आ गई कोई कहीं नहीं जाएगा एक दो इतने में ही इतने में ही भाई साहब चलो टेस्ट कर दो बंद कर दो लंदर से लोग ठीक है जी चलो अब टेस्ट के लिए हो जाए तैयार अबे

फेस तो क्रिटिसाइज करना था गुरु जी नहीं बेटा तो क्या गार्निश सजाओगे नहीं सर एग्जर्ट करना इसका क्या बनेगा बेटा अपोजिट बनना है बेटा क्या ना तेजी से काम खिंचवाना डोडल क्या है टाइम वेस्ट करना तो पहले का कौन सा आंसर आया सी पहले का कौन सा आंसर आया सी रिवाइज करके फिर टेस्ट देना घर पे इसका ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू बताओ क्वेश्चन नंबर टू बताओ बेटा क्या होना चाहिए आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव देखना सिमिलर सिमिलर मतलब सिनोनिम देखना है ऐसे आएंगे बेटा पेपर में क्वेश्चन सिमिलर मतलब सिनोनिम देखना है क्वेश्चन नंबर दो का क्या होना चाहिए प्रोक्रास्टिनेट करना किसी चीज को क्या मतलब था बेटा इसका प्रोक्रास्टिनेट करना किसी चीज को हंजी लल्ला किसी चीज को टालना अगर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो किसी चीज को टाल रहे हो यार बोरे हो डिले कर रहे हो तो इसका आंसर कौन सा हुआ बी हुआ इसका आंसर कौन सा हुआ बी हुआ ठीक है चल मेरे शेर थोड़ी तेज कराऊंगा ना भाई प्रैक्टिस तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा थर्ड में क्या कह रहा है कह रहा है एफर्ट एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है सर बहुत ज्यादा काम करवाते हैं सर बहुत बेकार सिचुएशन में काम कराते हैं मैंने एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया था इसमें याद करो एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया था इसमें याद करो बताओ क्या आएगा एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया था इसमें बताओ क्या आएगा बताओ क्या आएगा एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया था याद है क्या करना है बेटा बेटा इसका करना सी वन वर्ड में भी पूछेगा ये क्या कर लोगे इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है एक्सप्लेनेशन जरूरी है सी हुआ चल मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर चार बता दे बेटा फटाक से क्वेश्चन नंबर चार बता दे ग्रीगेरियस क्या बताना है इसका सिमिलर सिनोनिम बताना है बेटा ियस का सिनोनिम बता दे मेरे भाई ग्रिगेरियस सिनोनिम और बेटा आप सबको एक तरीके से प्रॉमिस है कि वीडियो को लाइक और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है मैक्सिमम ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मस्त तरीके से अच्छे से पढ़े ग्रिगेरियस को क्या बताना बेटा सिनोनिम ग्रिगेरियस का मतलब क्या था बातचीत करना अगर आप बातचीत कर रहे हो तो उसका क्या हुआ कॉर्डियल हुआ सर ये सब नहीं हुए क्या हुआ कोर्डियल होना कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो वेरी गुड यही पता चल जाएगी आपके एक्सपीरियंस चलो क्वेश्चन नंबर फाइव बताओ बेटा एक्सट्रोवर्ट होना अरे वो शादी में आकर एग्जांपल लिया था एक्सट्रोवर्ट का क्या बताना है अपोजिट बताना है एक्सट्रोवर्ट का क्या बताना है अपोजिट बताना है भैया जी कौन सा होगा कौन सा होगा एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट ये आया था जी सीजीएल में एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट होगा बहुत बढ़िया चलो मेरे दोस्त छठा क्वेश्चन नंबर छह बताओ सर एमिएबल एमिएबल का क्या बताना है लड्डू एमिएबल का बताना है सिमिलर वर्ड एमिएबल है ना थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर होना किसका होता है मम्मी का थोड़ा फ्रेंडली नेचर होता है है ना सी पार्ट एम होना टैसी टर्न तो चुप्पी था नहीं सर एंटी सोशल अरे नहीं सर रिलैक्स नहीं सर फ्रेंडली होना अब ये आएंगे बेटा पेपर में ऐसे आने क्वेश्चन अब वो क्या याद करोगे तो काहे क्वेश्चन नहीं होंगे प्रैक्टिस का अलग ही मजा बेटा अगला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चार अल्टरनेटिव है वन वर्ड ढूंढो नॉट फ्रेंडली और विलिंग टू टेक पार्ट इन थिंग्स जो फ्रेंडली नहीं है थोड़ा चुप चुप रहता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे क्वेश्चन नंबर सात जो चुप चुप रहता है अलग है सर शर्मीला है क्या करोगे क्या करोगे कैसा हा? अलूफ वेरी गुड सातवें का हुआ जी ए अब बताइए क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन नंबर आठ आठ बताइए भैया जी आठ का क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर आठ क्या कर रहे हो आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट सिमिलर वर्ड सिमिलर मतलब सिनोनिम इनजेंडर करना सिनोनिम करना बेटा बता जरा सिनोनिम करना इसका क्वेश्चन नंबर आठ इनजेंडर करना मतलब लागू करो किसी चीज को करो इंड्यूस करना परसवेड करना याद है बेटा इंड्यूस करना रेस्ट्रिक्ट करना तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टॉप करना इसका एंटोनिम हो जाएगा पेपर में एंटोनिम देगा सिनोनिम पूछ के दो तीन एंटोनिम दे देता है ये भी करता है ये आसान तरीका होता तो है क्वेश्चन काटने का इसलिए भाई वो कैब अच्छे से याद होने चाहिए चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन दस दस क्वेश्चन कराया करूंगा हर क्लास में भाई दस क्वेश्चन कराया करूंगा अब नेक्स्ट इंपीड करना इस इंपीड का क्या बताना है बेटा जरूर पढ़ना पेपर में अपोजिट एंटोनिम बताना है एंटोनिम बताना है इसका एंटोनिम बताना है बताइए जी इंपीड करना नाइन का क्या हुआ बेटा उल्टा इनिशिएट करना इनिशिएट करना है कि नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस बता दो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी आ जाओ क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस दस का क्या है भैया दस कह रहा है क्विल हो जाओ लेकिन उसका क्या बताना है कहा क्या बताना भाई अपोजिट बेटा क्विल तो शांत करना है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ लेकिन उसका हमें क्या बताना है अपोजिट बताना है अपोजिट का मतलब क्या है एल्ट लागू करो लागू करो चालू करो भाई साहब कसम खा के बोल रहा हूं आप शायद यकीन ना मानो लेकिन यकीन मानिएगा बहुत मेहनत लगती है भैया वो याद करा कसम से ये जो आपको इंसान सामने खड़ा हुआ दिख रहा है ना ये इंसान डमरू की तरह डमरू की तरह सुबह आठ बजे से लगा पड़ा है ये मजाक में तैयार नहीं होते मुझे इस एक घंटे की क्लास के लिए डेढ़ घंटे पौने दो घंटे बिताना पड़ता है आठ बजे से मेरा सुबह बैच होता है पाजी तब मैं करता लेकिन क्यों क्योंकि आप इतनी भारी संख्या में रहते हो इंटरेस्ट लेते हो कमेंट्स दिखते हैं मुझे हमारे यहाँ हमारे चैनल पे कभी हाइपिंग की सिंपिंग नहीं चलता सारे बच्चे पढ़ाई से रिलेट करते हैं चीजें मजाक करके पढ़ाता हूँ जान पूछ के क्योंकि एक घंटा फिर वो कैब याद करना बड़ा भारी हो जाता है ये सब मैं पता है आपको क्यों बता रहा हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एक लोते नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो आपके साथ मैं भी कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा आप मेहनत नहीं कर रहे देखो भाजी मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि आप मेहनत नहीं करो गुरुजी हम भी तो मेहनत करें आप भी करो मुझे पता आप लोग भी सुबह आठ बजे आते हो लाइब्रेरी अच्छा अभी लाइब्रेरी में बैठा कौन कौन है एक और कमेंट करना जो अभी लाइब्रेरी से पढ़ रहा है अभी लाइब्रेरी से जो क्लास ले रहा है बहुत सारे होंगे आप में से जो सुबह आए होंगे अब शाम को ही घर जाएंगे रिश्तेदारों की तरह घर जाते हो है ना ऐसा हो रखा है घर सिर्फ सोने जाते हो घर वापस उठ के फिर लाइब्रेरी या आप में से कुछ पीजी वगैरह में तो पीजी सिर्फ बस नहा लिया धो लिया खा लिया फिर वापस लाइब्रेरी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मैंने ये नहीं बोला कि मैं मैंने आप भी कर लेकिन लगातार मेहनत करनी है बात तब बनेगी लगातार मेहनत करनी है भाजी बात ना तब बनेगी तो मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूं आप पेशेंस दिखा रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आंसर कर रहे हो क्योंकि दस क्वेश्चन में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर क्या होंगे ठीक है दस में से नंबर भी टाइप कीजिएगा आपके क्या रहे और मुझे उम्मीद है दस में से नौ या दस ही रहे होंगे तो बेटा इस तरीके से भाजी अगर हमने अगर हमने इस वो कैब को याद कर डाला दिन का एक घंटा दिया 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 तब जाके दो तीन महीने में वो कैब होगी बहुत सारी बुकैब में आपको याद करा में से बहुत सारे ठीक है घर से हो या जहां भी हो बेटा बैठे तो हो पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लाइब्रेरी से हो लाइब्रेरी से पढ़ो जहां मन करे दिल करे वहां पढ़ो लेकिन यू ही याद करते रहना यू ही मेहनत करनी है, कर है। लगातार अभी तो दो क्लास होगी दूसरी बात बेटा कल है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी ठीक है ठीक है जी भारत माता की जय तो कल है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी तो कल हमारा ऑफिस बंद है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपका बैच चलना है तो कल ये ये नहीं है बेटा कि सर यूट्यूब की छुट्टी है पेड बैच है नहीं बेटा सबकी छुट्टी है क्योंकि हमारा ये बैच है मंडे टू फ्राइडे बेटा सैटरडे संडे दो दिन तो इस बूढ़े को भी दे दो हैं ये बूढ़ा थोड़ा बहुत खेल लेता है कूद लेता है शनिवार इतवार ऑफिस वैसे भी हम क्लोज ही रखते हैं कल फ्राइडे है और ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी है कल तो ऑफिस रहेंगे बंद अब क्लास आपकी होगी डायरेक्ट मंडे को तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे अरे जयदीप सर गोली दे गए दो क्लास लेके अरे अरे सर सर क्लास नहीं ले रहे रहे प्रभु मंडे को दोबारा क्लास है ठीक है मंडे को दोबारा क्लास है और अगले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे लगातार रहेगी क्योंकि अगले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है अगले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं और ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ आपके जो सब पेड़ बैच भी बंद है भैया जी मैं वो कैब बैच को ऐसे कभी नहीं ट्रीट करता कि फ्री बैच है तो अलग मूड में पढ़ाऊं पेड़ है तो अलग मैं दोनों में बराबर पढ़ाता हूं वो कैब में बस मैं ज्यादा मजाक करके पढ़ाता हूं क्योंकि मजाक करके अगर वो कैब नहीं पढ़ाई तो फिर तो काम ही नहीं है थोड़ा सा मैं आपका मूड लाइट भी कर देता सुबह से तुम भी पढ़ रहे हो तो सुबह में से मैं भी पढ़ा रहा होता थोड़ा तो मजाक मस्ती हो जाती तो बेटा मंडे टू फ्राइडे बैच है तो आपसे हाथ जोड़ के रिखवाज कोई गुस्सा ना करे गुरु जी फिर गायब हो गए इसलिए मैं कल का इवेंट बनवा दूंगा कल इवेंट बनवा दूंगा मंडे का

रात को एक बजे भी क्लास लिया टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम का लिंक नीचे है आप उस पर क्लिक करो अभी डाल दूंगा मैं पीडीएफ ठीक है ये रखेगा। तो मंडे टू फ्राइडे सर नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी इवेंट में कल ही बनवा दूंगा बस आपसे हाथ जुड़ गए कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके चलेगा अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर जुड़िएगा मेरे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक है ठीक है प्लस एक और रिक्वेस्ट यह कि बुक खरीदनी नहीं है उनको प्रैक्टिस भी करना है तो खाली ये नहीं है कि किताब खरीद ली और उनको प्रैक्टिस नहीं किया ये दोनों वॉल्यूम है दोनों लेनी है ये खर्चा करके चलिएगा और मेहनत करने के लिए ठीक है तैयार रहिएगा ठीक है, है मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा ठीक है, है। चलिए जी आज की वार्तालाप खत्म थैंक यू सो मच आपके लिए लव यू बहुत बढ़िया बेटा और यूं ही मेहनत करते रहो माँ बाप की रेस्पेक्ट करो परमपिता परमात्मा करें ये 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय हो और बहुत जल्द जो है आप अपना सिलेक्शन ले पाए ठीक है तो मुलाकात करते हैं सर आ, मंडे को ठीक है तो कोई भी बच्चा गुस्सा ना करे सर कहां चले गए कोई भी पूछे तो कमेंट बता देना कमेंट में अपने दसवें से नंबर कितने आए क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और शेयर करने की तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा करता रहूंगा मैक्सिमम प्लीज क्लासेस को शेयर कीजिएगा और आज आ, कल मैं इसकी पीडीएफ भी बना दूंगा वो प्ले बना दूंगा ठीक है वॉल्यूम वन वोकेव। वोकेव, वो कैब वो कैब वॉल्यूम वन ये पी का उसका प्ले का नाम डाल देंगे ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच गुड नाइट शुभ रात्रि Jen. Okay.